हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 31 अगस्त, आज मंडे है। अभी टाइम हो रहा है पता है कितना, 11:50 ऑफकोर्स रात के। तो इतना लेट मैं व्लॉग शुरू करूँ वो भी इतना सज धज के, रीज़न ये है कि आज रात को 12 बजे के बाद मेरा है बर्थडे। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना बर्थडे व्लॉग बनाती हूँ। तो लास्ट ईयर का भी बर्थडे व्लॉग है, वो आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो और यहाँ पे आई बटन में भी रहेगा, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। बहुत मज़े किए थे हम लोगों ने, हितेश ने बहुत अच्छा सब कुछ अरेंज किया था, सब फ्रेंड्स को आज के दिन घर पे बुलाया था, तो केक कटिंग उनके सामने हुआ था। इस बार तो गाइस कुछ नहीं हो सकता ऐसा, बट ऑनेस्टली बहुत ऑसम तरीके से हितेश सब कुछ अरेंज किया है, रेडी किया, मतलब डेकोरेशन भी किया है, केक भी बनाया है, सब बहुत, मतलब मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो करेगा इतना सब कुछ, बट हाँ बहुत मेहनत किया है रियली, आज पूरा दिन मेहनत किया। तो एनीवेज अभी मैंने बस 10 मिनट बाकी 12 बजे में, मैं बस एक नॉर्मल से एक पुराना ही ड्रेस पहन लिया है, मुझे अच्छा लगता है ऑनेस्टली केक कटिंग के टाइम पे थोड़ा अच्छा कपड़े पहन लो, थोड़ा सा रेडी हो जाओ क्योंकि थोड़ा फोटोज़ भी लेना होता है ना। तो क्या क्या हितेश ने किया है वो सब कुछ मैं बाद में शेयर करती हूँ, बाद में दिखाती हूँ, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैं बाद में आप लोगों के साथ फिर से बात करती हूँ। और हाँ, कल का ये व्लॉग कंटिन्यू होगा, टुमारो भी और भी सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनीवेज चलिए मैं बाद में आप लोगों के साथ फिर से बात करती हूँ। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday. And I really wanna know, really wanna know. Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. लोगों ने देखा मैंने केक कटिंग कर लिया है, और दो दो केक मैंने वीडियो में थोड़ा शेयर किया है, दो दो केक इसलिए क्योंकि एक केक जो राइट साइड वाला केक है वो हितेश ने बनाया है, और उसका ना एक ही प्रॉब्लम था कि उसमें नाम नहीं लिखा था, ठीक है, और इसीलिए हितेश ने बोला, और नाम लिखने का जो वो सब क्रीम होता है यार कौन करेगा ये सब मेहनत। तो हितेश ने देन बोला कि चलो एक केक हम लोग मंगवा लेते हैं जिसमें नाम लिखा रहेगा प्रॉपर, तो उस केक को जस्ट हम कटिंग करेंगे, खाएंगे कि नहीं उसका अभी तक डिसाइडेड नहीं है, और अगर खाते भी है तो डेफिनेटली गरम करके देन ही खाएंगे ऑफकोर्स यार। तो ये सब है, और भी मैं कुछ दिखा दूँ आप लोगों को। आज हितेश ने बहुत मेहनत की, आई नो लॉकडाउन वाला बर्थडे सेलिब्रेशन है, बट स्टिल इतना मेहनत किया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो दोपहर को तो सो गई थी पता है, बाद में आके देखा कि देखिए पीछे बैकग्राउंड में कितना अच्छा बलून्स एंड हैप्पी बर्थडे सब कुछ लाइट वाइट से सजाया, डेकोरेट किया, केक भी बनाया, सब कुछ उसने खुद आज किया। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, वो तो ऑलवेज ही होती रहती हूँ, बट ठीक है यार बर्थडे में थोड़ा लगता है ना कि कोई बहुत स्पेशल करे। देखो ये सब कुछ रेगुलर का सब कुछ खुद तो करते है, कर भी सकते, बट ऐसा मुझे फील होता है बर्थडे पर तो थोड़ा सा स्पेशल बनता है। तो सब कुछ किया, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड हाँ ढेर सारे फोटोज़ वीडियोज़ आएगा, बट ऑफकोर्स वो सब तो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकती, तो उसके लिए इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप लोगों को मेरा यूज़र आईडी दिखेगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, तो ढेर सारे फोटोज़ एंड वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा तुरंत तुरंत स्टोरीज़ पे, मैं सब अपलोड करती रहती हूँ। एनीवेज चलिए मैं एक बार डेकोरेशन दिखा देती हूँ। और हाँ डिनर का मैं बता दूँ, राइस है और मटन है, मटन मैंने आज एक्चुअली दोपहर को ही बना के रख दिया था, तो डिनर सॉर्टेड है। डिनर हम लोगों ने अभी तक पता है किया नहीं जानबूझ के, शाम को थोड़ा सा कुछ खा लिया था ज़्यादा, तो भूख नहीं लगी थी, तो एनीवेज अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, बातें करते हैं, देन मैं
हम लोग डिनर करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने चेंज कर लिया और अभी काफी देर हो चुकी है, हम लोग सोने आ गए। ऑफ कोर्स खाना तो हो ही गया था तो अभी सो जाएंगे, तो सुबह जल्दी भी हो जल्दी एक्चुअली नहीं है, सुबह आराम से उठेंगे। तो एनीवेज चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर नहीं वीडियो को एंड नहीं करी आज के लिए मैं यहीं पे एंड करी। टुमारो अगेन वीडियो शुरू होगा, ये वीडियो कंटिन्यू होगा टुमारो भी ऑफ कोर्स। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, और आज है नेक्स्ट डे, मतलब आज ही मेरा बर्थडे है और सुबह का टाइम है, सुबह वो नहीं बोलूँगी, थोड़ा लेट ही हो गया। आज मैं लेट ही उठी हूँ और अभी ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट कुछ फैंसी नहीं, मैं बहुत सिंपल ब्रेकफास्ट करना पसंद करती हूँ ऑलवेज, वो है ब्रेड बटर, वही खा लूँगी। और बस यही है, आज सुबह से काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन एंड मैसेजेस आ रहे हैं तो अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग आप में से मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो उनका भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी स्पेशल लगता है ना बर्थडे पे इतने सारे लोग अगर विश करें तो। और हाँ, वो सब मैं स्टोरी में डालने वाली हूँ तो आप लोग चाहे तो इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हैं। और हाँ, सुबह सुबह मुझे मिल गया है ये मेरा फेवरेट रेड रोजेज, जो कि बहुत महीने बाद मिला है, क्योंकि पता ही है रीज़न क्या ही बोलूँगी। तो एनीवे सुबह सुबह अगर आपको ऐसे बर्थडे के दिन रोजेज मिले, कोई भी फ्लावर मिले तो बताइए कैसा अच्छा फील होता है ना, अच्छा मतलब मॉर्निंग का शुरुआत होता है। तो यही है, मैंने एक साइड पे रखा है, ज़्यादा हाथ नहीं लगा रही हूँ, बाद में मैं इसको रखती हूँ अच्छे से सजा के। तो एनीवेज अच्छा लग रहा है पूरा डेकोरेशन देखने में भी। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, भूख भी बहुत लग गई, तो फटाफट ब्रेकफास्ट करके देन नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ फिर से बात करती हूँ। हे गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं मैं नहा के आ गई हूँ और अच्छे से थोड़ा सा रेडी हुई, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा लिपस्टिक लगाया और बस अभी हम लोग लंच करेंगे। लंच टाइम हो गया है, नहीं वो मत खोलो, दो मिनट दिए रहने दो। तो अभी नहीं नहीं अभी खाना गर्म कर रहे हैं हम लोग। तो मैं बता दूँ क्या खाने में आज, चाइनीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरा फेवरेट चीज़ ही हितेश ने ऑर्डर किया है ऑफकोर्स। सो गाइज, ये है हम लोग आज का लंच, यहाँ पे है चिकन फ्राइड राइस, यहाँ पे है चिकन सेजवान नूडल्स और ये है गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं रेस्टोरेंट में डिनर के लिए और अभी टाइम हो रहा है 8 PM। लंच के बाद एक्चुअली थोड़ा सा आराम किया, सो गए थे सच पूछिए तो, बर्थडे हो या कोई भी दिन हो लंच के बाद सोना तो बनता ही है। ये लॉकडाउन ने ना बहुत ही गंदा असर किया है मेरे पे, लॉकडाउन में मतलब 6 महीने से लास्ट मैं रोज लंच के बाद सो जाती हूँ और जिस दिन मैं नहीं सोती हूँ ना उस दिन मेरा सर दर्द हो जाता है। तो वही उठ के मैं रेडी होके अभी हम लोग निकल गए और मैंने क्या ड्रेस पहना है, क्या आउटफिट, उसका मैं अच्छे से वीडियो लेके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बर्थडे आउटफिट है, बर्थडे मेकअप हो तो शेयर करना बनता ही है। और बस अभी हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा डर तो है बट स्टिल भगवान को प्रे करके ठीक है यार देख लेंगे, सब ठीक ही रहेगा। और चलिए अभी चलते हैं, जो भी मैं करती हूँ जहाँ भी जाती हूँ मैं शेयर करती रहूँगी आप लोग के साथ।
हे गाइस, तो आप लोगों ने देखा हमारा डिनर फाइनली हो गया है और अभी निकल रहे घर पे जाना है। ऑफ कोर्स तो अच्छा सा खाना यहाँ पे अच्छा ही होता है और बहुत मज़ा आया। और फाइनली आज मैंने केक कटिंग भी किया, मुझे पता नहीं था। एक्चुअली हितेश ने पहले रिजर्वेशन किया था तो वो चीज़ मुझे पता नहीं था कि केक भी आने वाला है, तो वो मेरे लिए छोटा सा सरप्राइज जैसा हो गया। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, निकल के मैं आप लोग के साथ फिर से बात करती हूँ। और क्या क्या खाया वो सब इतना डिटेल में तो मैंने बताया नहीं, दिखाया नहीं, और अभी क्या ही दिखाते, तो फिर अच्छे से हम दोनों जो टाइम स्पेंड कर रहे थे ना वो नहीं होता। एनीवेज, बट पता है इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ इतने टाइम बाद यहाँ पे आके, बट एक ही चीज़ थोड़ा अजीब लग रहा है कि एकदम सब कुछ आधे से ज़्यादा चीज़ तो बंद है। जैसे कि यहाँ पे एक ही किचन से सब रेस्टोरेंट में खाना जा रहा है, सब कुछ मतलब बंद हो गया, लोग इतने कम है, तो वो थोड़ा ऑड लग रहा है। मतलब न्यू नॉर्मल बहुत ही ऑड है। मुझे तो ऐसा इमोशनल हो गई कि अरे यार सब कुछ कैसा चेंज हो गया ना। लास्ट टाइम मेरे बर्थडे पे यहाँ पे आए थे मिंट में ब्रंच के लिए, तो वही सब मैं याद करी थी। तो अब कितना भीड़ था, कितना म्यूज़िक, कितना लोग था, कितना अच्छा लग रहा। और इस बार एकदम खाली, बस दो तीन फैमिलीज ही थे। बच्चा तो ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा फोटो शूट कर लेती हूँ यहाँ पे। अभी चलते हैं, मैं बाहर जाकर आप लोग से फिर से बात करती हूँ।
सो गाइस अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और अभी घर पे आके पता ही है आप लोग फर्स्ट कम सब कुछ फ्रेश होना देन डिसइनफेक्ट करना, बट वो अभी मैंने सोचा कि वो सब करने से पहले मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि इस वीडियो को शुरू किया था येस्टरडे 12 बजने से 10-15 मिनट पहले और अभी आज मतलब नेक्स्ट डे होने में 12 बजने में 10 मिनट ही बाकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी आज मेरा बर्थडे रहते रहते मैं वीडियो को एंड कर लूँ। सो गाइस ये था मेरा बर्थडे 2020 का ये सब कोविड वाले सिचुएशन में। एनीवेज तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा बर्थडे व्लॉग ज़रूर मुझे बताना अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और हाँ अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे एंड अगर मैं और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर सब्सक्राइब कर लिए तो उस बेल आइकन को भी क्लिक करना, तभी जाके आप लोगों को मेरे सारे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप मेरे वीडियोज़ को देख पाएंगे। सो गाइस पीछे देख रहे वो डेकोरेशन इतना ऑसम लग रहा है ना, तो मैं जो है आप लोगों को एक और बार दिखा दूँ। एनीवेज चलिए तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।